दिल्ली के चांदनी चौक स्थित चरती लाल गोयल हेरिटेज पार्क में जल संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जानी मानी सामाजिक संस्था संपूर्णा की तरफ से जल संरक्षण अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश के जाने माने पर्यावरणविद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, मशहूर लेखिका डॉक्टर इंदिरा खुराना के अलावा जल आयोग के सलाहकार दीपक पर्वतियार ने जल संरक्षण को लेकर अपने विचार रखे। इस मौके पर जल मित्रों की तरफ से एक नाटक का मंचन भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के अध्यक्ष विजय गोयल, दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और विधायक विजेंद्र गुप्ता के अलावा जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर शोभा विजेंद्र समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। मैं अपने चारों ओर हो रही पानी की बर्बादी को धन्यवाद। भारत माता की जय। जितेंद्र सिंह जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और जल के विषय में जो सब सोचे सुने और अपने जीवन में उतारे। थैंक यू। और खासकर मेरे जल मित्र, इस जल संवाद में मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो 21वीं शताब्दी है ये जलवायु परिवर्तन के संकट की शताब्दी है और इस जल संकट के समाधान के लिए महिलाओं की भूमिका बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि भारत में हम यदि अपने भारतीय ज्ञानतंत्र में देखें और शास्त्रों में देखें तो महिला जो है नीर नारी और नदी को नारायण मानते थे भारत के लोग। मैं संपूर्णा को बधाई देना चाहता हूँ और उसकी अध्यक्षा शोभा विजेंद्र जी को, जिन्होंने नीर नदी नारी इसके ऊपर ये रखा। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी भी आए थे और वे अब जल के ऊपर काम कर रही हैं, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगला विश्व महायुद्ध हुआ तो पानी पर होगा, तो इसलिए पानी पर हम सबको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसका मोटिव यही है कि जल का जो संवर्धन हो, जल की उपयोगिता को लोग समझें, और संपूर्णा संस्था को मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने जल पर एक संवाद, और यहाँ प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी आए हैं जो जल पर काफ़ी काम कर रहे हैं, वो अपनी जानकारियाँ यहाँ देंगे, तो जल के प्रति जल को एक आंदोलन के रूप में देखा जाए। संपूर्णा समय से पर्यावरण को लेकर काम कर रही है और प्रकृति के लिए सबसे उपयोगी जो अवयव है वो जल है। आज हमारे देश के 72% ऐसे स्थान है जहाँ पर भूजल बिल्कुल नीचे चला गया है, यानी वहाँ पर पानी अब नहीं है, हम कितना भी खोद लें हमें पानी नहीं मिलेगा। ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भारत का हर जन जल का संचयन करे, जल का उपयोग करे।